आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गुरुग्राम में स्थित वही बाबा बुरारी का मंदिर है जो प्राचीन काल से बना हुआ है। पहाड़ की तलहटी में बने इस मंदिर की बहुत आस्थाएं हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में भक्त रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। इस मंदिर की देखरेख करने के लिए आसपास के गांव के लोगों ने वर्षों पहले सैकड़ों एकड़ जमीन दान कर दी थी ताकि मंदिर की सेवा में कोई कमी ना आए। लेकिन भूमाफियाओं को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने साठ गांठ कर मंदिर की लगभग 3.25 एकड़ जमीन को ही बेच दिया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही बेशकीमती जमीन है जो बाबा बुरारिक मंदिर की है। इस जमीन में से भूमाफियाओं ने 3.25 एकड़ जमीन को बेच दिया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों में भारी रोष है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज जो हम उपायुक्त महोदय से, नगर निगम के और डीसी साहब से मिले हैं, ये रजिस्ट्री जो बुरारिक मंदिर की कराई जा रही है उसे रोकने के लिए मिले हैं और इन्होंने आश्वासन दे दिया है, रजिस्ट्री रोक दिए। 2 तारीख की 11 बजे संडे की भोंडसी में पंचायत रखी है, जो कि महापंचायत रखी गई है। 40-50 गांव के आपस के जो भी सारे आसपास के हैं सब वहाँ इकट्ठा होंगे और पंचायत में सम्मिलित होकर जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय फिर आपको बता दिया जाएगा। सरपंच साहब, जो ये जमीन का जो मामला है, बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है? बेचने वाला अभी हमें पता नहीं है, वो भी नंगा हो जाएगा, सामने आएगा जरूर जो भी है, और उसे पब्लिक तो दंड देगी देगी और भगवान भी उसे दंड देगा। बुरारिक मंदिर कभी माफ नहीं करेगा। बाबा बुरारिक मंदिर की जमीन को किसने बेची और किसने खरीदी, इसकी जानकारी पाने के लिए आज दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त, निगमायुक्त से मुलाकात कर जहां रजिस्ट्री को रद्द करने व रजिस्ट्री की कॉपी मांगने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं 2 जनवरी को बाबा बुरारिक मंदिर पर ही क्षेत्र के लोगों की एक महापंचायत बुलाई गई है ताकि मंदिर की जमीन को बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। 2 जनवरी को होने वाली महापंचायत का स्थान बाबा बुरारिक के मंदिर प्रांगण में ही रखा गया है ताकि कोई मंदिर परिसर में झूठ ना बोले। इसमें जो बुरारिक मंदिर है, बेसिकली भोंडसी और कादरपुर की सीम से लगता हुआ मंदिर है, पुराने हजारों सालों से सब गाँव की मान्यता है। तो उसमें जो ज़मीन को बेचा जा रहा है, तकरीबन 21 कनाल कुछ मरले के आसपास का, परसों ऐसा खबर आई कि सोना में उसकी रजिस्ट्री हो रही, तो लोगों को पता लगा तो लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया, वो रजिस्ट्री रुक तो गई है। इसी संबंध में आज हम निगम आयुक्त से मिले, आहूजा साहब से मिले और गर्ग साहब से, डीसी साहब से मिले कि इस पर रोक लगे। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन इन्होंने ये कहा है कि इसको चेक करते हैं, क्योंकि देखिए अधिकारी भी, किसी सीनियर अधिकारी नीचे कंसर्ट जो तहसीलदार है तो उसको, उससे रिपोर्ट लेगा, इसके पूरी कागजों को खंगा लेगा और जो जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदिर की जमीन को बेचने वाले कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मंदिर की जमीन को बेचने वालों के खिलाफ क्षेत्र के लोग एकजुट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को बेचने व खरीदने में सत्ताधारी नेताओं का हाथ है, लेकिन अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर मंदिर की जमीन को बेचने वाले कौन कौन हैं। इसकी जांच करने के लिए क्षेत्र के लोगों ने जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है, वहीं 2 जनवरी को महापंचायत बुलाई है। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट। गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।